हाय गाइस, दिस इज निकिता एंड जीवनसाथी.com के एक सर्वे में एक काफी इंटरेस्टिंग बात पता चली। 65-75% लड़के अपने प्रोफाइल में अपना स्किन टोन फेयर लिखते हैं एंड सरप्राइजिंगली इसकी वजह से इन लड़कों को बाकी लड़कों से 5 गुना ज्यादा रिस्पांस मिलता है। बट इसी चीज को कॉन्ट्रडिक्ट करता है एक दूसरा रिसर्च जो ये बताता है कि अक्सर मैगजीन कवर्स पर लड़कियां फेयर होती है और लड़के थोड़े से डार्क स्किन टाइप के होते हैं, सांवले होते हैं। क्यों? क्योंकि अपेरेंटली डार्क स्किन मेन को वुमेन और ज्यादा मैनली कंसिडर करती है और इसीलिए उन्हें ज्यादा अट्रैक्टिव मानती है। तो यार, आखिर लड़कियों को एग्जैक्टली पसंद क्या है? फेयर स्किन या डार्क स्किन, टॉल या फिर शॉर्ट लड़के, चॉकलेट बॉयज जैसे कि शाहिद कपूर टाइप्स या फिर कबीर सिंह टाइप्स लड़के? वेल, डोंट वरी, क्योंकि आज हम काफी सारे रिसर्चेस को स्टडी करके वो एग्जैक्ट आंसर्स जानेंगे कि लड़कियों को आखिर कैसे फिजिकल फीचर्स और बिहेवियर ट्रेट्स लड़कों में अट्रैक्टिव लगते हैं। बट सरप्राइजिंगली काफी बार ये अट्रैक्शन लड़कियों के हाथ में भी नहीं होता है, बल्कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर डिपेंड करता है। स्टडीज बताती है कि प्री ओव्यूलेटरी फेज यानी कि पीरियड स्टार्ट होने के 10-70 डेज के अंदर के टाइम फ्रेम में लड़कियों की प्रेफरेंसेस में कोई खास चेंजेस नहीं आते। मतलब अगर उस लड़की को क्लीन शेवन या फिर डार्क कॉम्प्लेक्शन या फिर जैसे भी लड़के पसंद है उसे वैसे ही उसकी प्रेफरेंस रहेगी। बट ये बदल जाता है ओव्यूलेशन फेज में, यानी उस टाइम पे जब प्रेगनेंसी के चांसेस एज वेल एज सेक्स ड्राइव दोनों ही हाईएस्ट पे होता है। ऐसे टाइम पर लड़कियां सडनली बियर्ड या फिर फेशियल हेयर या फिर शार्प जॉ लाइन, हस्की आवाज और फेशियल सिमेट्री वाले लड़कों को ज्यादा पसंद करती है। बेसिकली ऐसे फीचर्स जो कन्वेंशनली ज्यादा मैस्कुलिन माने जाते हैं। अब इसके पीछे के रीजंस हमारे एवोल्यूशन से काफी ज्यादा लिंक्ड है। देखो, क्योंकि ओव्यूलेशन फेज में एक फीमेल की बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रही होती है, तो इसीलिए अगर लड़के का फेस सिमेट्रिकल है या फिर उसकी आवाज हस्की है तो लड़की पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि इस बंदे का बिल्ड स्ट्रॉन्ग है एंड इन टर्न उसके जीन्स भी काफी हेल्दी होंगे। मतलब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे उसका ब्रेन ये सोचेगा कि उस बंदे के साथ होने से उसकी अगली जनरेशन भी काफी ज्यादा हेल्दी हो जाएगी। अब अगर बात करें प्योरली उन फिजिकल फीचर्स की जो लड़कियों का सिलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है, सो सी, एक पीकॉक अपने पंख को फैलाकर मोरनी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ये हम सब ने देखा है। बट पर हमने जो नहीं देखा है वो ये है कि मोरनी सिर्फ उस मोर को चुनती है जिसके पंख सबसे ज्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि वो मोरनी उसके पंख के बेसिस पर उस मोर की ओवरऑल हेल्थ और स्ट्रेंथ का जज कर पाती है। सो कुछ सिमिलर सा ही लॉजिक अप्लाई होता है लड़कियों के ब्रेन्स में भी, जिसकी वजह से उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में अक्सर बाइसेप्स और ब्रॉड शोल्डर्स आ ही जाते हैं। अब देखा जाए तो शुरुआत से ही आदमियों ने ऐसे ही काम किया है जिसमें फिजिकल लेबर यानी कि ताकत का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वुमेन काउंटर पार्ट, जिसकी वजह से वुमेन के माइंड में सबकॉन्शियसली अगेन एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि जिसका फिजिक सबसे अच्छा होगा वो नेचुरली ज्यादा कॉम्पिटिटिव और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा। इंटरेस्टिंगली यही साइकोलॉजी अप्लाई होती है लड़कों में भी, जो बाय द वे रीजन वाइज भी डिफर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जहाँ पर नॉर्थ इंडियन मेन स्पेशली पंजाब में जनरली लड़कियाँ पतली कमर वाली प्रेफर की जाती है, लेकिन वहीं पे दूसरे रीजन में जैसे कि साउथ इंडिया या फिर इवन नॉर्थ के ही बिहार और यूपी वगैरह में लड़कों को कर्वी लड़कियाँ ज्यादा पसंद आती है। और ये डिस्पैरिटी आप इन रीजन के एक्ट्रेसेस में भी देख सकते हो। भोजपुरी एक्ट्रेसेस, साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस, ये सारी की सारी काफी ज्यादा कर्वी होती है या फिर अगर नहीं होती है तो इन्हें होने के लिए कहा जाता है जस्ट प्योरली ताकि मूवीज देखने के लिए लड़के आए। अब इंटरेस्टिंगली इसके पीछे भी एक रीजन है। वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी के रिसर्च के हिसाब से कुछ लड़के थिक बॉडी को लड़की की मेंटल मैच्योरिटी से एसोसिएट करते हैं एंड हेंस कर्वी लड़कियों को ज्यादा मैच्योर समझ के जल्दी उनसे अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। बट चलो, फिजिकल फीचर्स और लुक्स के अलावा एक और चीज है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन काफी ज्यादा अंडररेटेड है, जो है प्रेजेंटेबल होना। इससे लिटरली आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके करियर और आपके लव लाइफ पर तक असर पड़ता है। इसको प्रूव करने के लिए केल्टन रिसर्च ने एक सर्वे किया था, मेन वेल ड्रेस्ड मेन सर्वे, एंड इससे ये पता चला कि लड़कियों को वेल ड्रेस्ड मेन काफी ज्यादा स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल लगते हैं। एंड अक्सर हमें भी लाइफ में बोला जाता है, फिर चाहे वो स्कूल के बुक्स में मार्जिन ड्रॉ करना हो, कॉलेज या ऑफिस का कोई प्रेजेंटेशन हो, वो भी काफी प्रेजेंटेबल होना चाहिए। बीइंग प्रेजेंटेबल इन जनरल एनहांसेस योर पर्सनालिटी, सो आप आपके प्रेजेंटेशन और वीडियोस को भी और ज्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हो विद वंडरशेयर डेमो क्रिएटर। इस एप्लीकेशन को मैं भी यूज करती हूँ अपने वीडियोस को और ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। इनके फीचर्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और बहुत ज्यादा इजी टू यूज है। जैसे ये एवेटार वाला, इसे यूज करके आप अपना खुद का एक एवेटार क्रिएटर बना सकते हो, इसी से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और इतना ही नहीं, आप वर्चुअल ह्यूमन एंड वर्चुअल बैकग्राउंड एक साथ वॉइस चेंज भी कर सकते हो। तो चाहे आप मेरे जैसे यूट्यूबर हो या फिर टीचर हो या फिर कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, डेमो क्रिएटर आपकी हेल्प जरूर करता है आपकी प्रेजेंटेशंस को और भी ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। सो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो और डेमो क्रिएटर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो बिल्कुल फ्री में। एनीवे, लड़कों की फिजिकल अट्रैक्टिवनेस डिसाइड करने का एक और फैक्टर है
फेशियल मैस्कुलिनिटी। एक स्टडी में लड़कों के फेशियल हेयर यानी कि बियर्ड वगैरह को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था और औरतों को उन्हें अट्रैक्शन के बेसिस पे उन्हें रेट करने को कहा, जैसे कि वेरी लाइट, लाइट, मीडियम एंड हेवी बियर्ड। अब रिजल्ट स्टडी करने के बाद मालूम पड़ता है कि हेवी बियर्ड वाले लड़के एक्चुअली लड़कियों के लिस्ट में थर्ड प्रेफरेंस पर आते हैं। आई नो, थोड़ा शॉकिंग राइट? वेल, अपेरेंटली लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है लाइट बियर्ड और सबसे कम अट्रैक्टिव लगती है वेरी लाइट बियर्ड। एंड इतना ही नहीं, इस जर्नल के हिसाब से तो फेशियल स्कार्स भी लड़कियों को काफी ज्यादा सेक्सी लगता है। और रही बात हाइट की, तो एक स्टडी से ये पता चला कि लड़कियां ऑन एन एवरेज 5 feet 8 inches के लड़कों से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती है। इनफैक्ट एक सर्वे ने तो लड़कियों की इस हाइट प्रेफरेंस को रोमांटिक नॉवेल्स से भी लिंक किया और तब ये पता चला कि 90% रोमांटिक नॉवेल्स में लड़कों का हाइट 6 feet पोर्ट्रे किया जाता है और इस वजह से हो सकता है कि ये लड़कियों के रियल लाइफ के प्रेफरेंसेस पे भी इसका इन्फ्लुएंस आया हो। एनीवे, फिजिकल अपीयरेंस का एक और जरूरी पार्ट होता है उनका ड्रेसिंग स्टाइल। एंड सरप्राइजिंगली ड्रेसिंग स्टाइल में वो क्या है ना कि हमारे में कहावत है, लखनऊ ना कुर्ता पठानी सलवार तब लगे मर्द वरना लगे बेकार। यस, सूट्स और टक्सीडो नहीं बल्कि अगर पैन इंडिया लेवल पे देखा जाए तो इंडियन वेयर यानी कि कुर्ता पजामा लड़कियों का सबसे ज्यादा फेवरेट है। अगेन, एक्सपेक्टेड नहीं था ना, पर अगर सही मायने में देखा जाए तो लुक्स इन जनरल लड़कियों के लिए टॉप प्रेफरेंस होते भी नहीं है, क्योंकि लड़कियों की एक प्रेफरेंस ऐसी भी होती है जिसमें उन्हें लिटरली अपने पापा जैसे लड़के पसंद आते हैं। एंड ये मैं आज से लेकर 80 साल तक सारे फीमेल्स की बात कर रही हूँ। Who's the most attractive man of all time? Daddy. My father. My dad. My father. I'm gonna say my father. Well, yes. जिसे आज हम daddy issues बोलते हैं, वो भी actually में एक psychological concept है. Basically, एक लड़की किस लड़के को पसंद करेगी, ये सबसे ज़्यादा depend करता है इस बात पर कि उसका उसके father के साथ कैसा relationship है. So, Durham University में एक experiment conduct किया गया, जिसमें लड़कियों को बहुत सारे males की तस्वीरें दिखा गई, and पूछा गया कि who do you find the most attractive? Interestingly, हर वो लड़की जो एक typical daddy's girl थी, मतलब कि उसका relationship उसके dad के साथ काफी healthy था, उसे उन्हीं लड़कों की तस्वीरें पसंद आई जिसके फेशियल फीचर्स उसके डैड के साथ काफी ज्यादा मिलते जुलते थे। वही वो लड़कियां जिनके फादर्स या तो फिर बचपन में एब्सेंट थे या फिर अब्यूजिव थे, उन सारी लड़कियों ने वैसी लड़कों की तस्वीरें चुनी जो उनके डैड से बैंग ऑपोजिट दिखते थे, बेसिकली प्रूविंग कि हमारे माइंड रैंडमली ये डिसाइड नहीं करते कि क्या अट्रैक्टिव है और क्या नहीं। इनफैक्ट हम अट्रैक्टिवनेस को एसोसिएट करते हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ हमने राइट फ्रॉम चाइल्डहुड एक पॉजिटिव और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड किया होता है। मतलब लड़कियां हो या लड़के, दोनों एग्जैक्टली वही सेम सेंस ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी अपने पार्टनर में भी ढूंढते हैं जो उन्हें अपने ऑपोजिट सेक्स वाले पार्टनर से मिली होती है राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, एंड हेंस काफी आयरोनिकली उन्हें अपने पेरेंट्स की तरह दिखने वाले पार्टनर्स ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और ये मेंटल कंफर्ट जोन जो हमारे पेरेंट्स की वजह से क्रिएट हो जाता है, वही कहीं ना कहीं कई सारे और फैक्टर्स का भी रीजन बन जाता है। और यही कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं रीजन बन जाता है दूसरे फैक्टर्स का भी, जैसे कि गर्ल सीकिंग फॉर ओल्डर पार्टनर्स। आपके आसपास ऑलमोस्ट हर शादी में रिलेशनशिप में आपने देखा होगा कि लड़का लड़की से 4 या फिर 5 साल तो बड़ा होता ही है। वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि लड़कियों के ब्रेन्स ने बाय डिफॉल्ट ये कंक्लूड कर लिया है कि बड़े लड़के ही उन्हें सिमिलर सेफ्टी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और शायद इसीलिए बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे एडवांस सिटीज में लड़कियां 30 से 40 ईयर्स तक की उम्र के लड़कों को ज्यादा पसंद करती है, सिंपली बिकॉज ऐसे आदमी ज्यादातर हाई इनकम कमाते हैं और एक स्टेबल ड्रामा फ्री बहुत ही शांत लाइफ जीना पसंद करते हैं। इनफैक्ट अगर लुक्स भी हटा दे और प्योरली नेचर की बात करें तो भी लड़कियां यहां भी एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी ढूंढती ही हैं। खुद टिंडर के सर्वे ने ये पता लगाया है कि लड़कियों ने शेयर्ड इंटरेस्ट और वैल्यूज यानी कि मिलती जुलती पसंद और समान विचारों को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड पोजीशन दिया है एज कम्पेयर टू लुक्स। बट एनी गेसेस, फर्स्ट पोजीशन किसका है? ह्यूमर। सो एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसर्स के एसोसिएट प्रोफेसर ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने 102 रैंडम स्ट्रेंजर्स को पेयर्स में डिवाइड कर दिया और फिर उन्होंने उन सभी को 10 मिनट के लिए आपस में इंटरेक्ट करने के लिए बोल दिया। अब इसके बाद प्रोफेसर ने इन सभी पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंस का एक फीडबैक लिया और इसके बाद उन्हें पता चला कि वो सारे आदमी जिन्होंने अपने सामने बैठी लड़की को हंसाया था, उन सभी को उस लड़की की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। बट क्या आपको लगता है कि ये सबसे एक कोइंसिडेंस है? Not at all. So basically लड़कियां ह्यूमर और जोक्स के थ्रू लड़के के इंटेलिजेंस को जज करती है एंड अगर लड़का इंटेलिजेंस है तो उनके माइंड में ऑटोमेटिकली वो एक रिलायबल प्रोवाइडर बन जाएगा। ऐसे समझो जैसे कि सर्वाइवल जीना किसी भी लिविंग क्रीचर का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, उसी तरह से लड़कियां, यहां तक कि इंडिपेंडेंट लड़कियां भी सबकॉन्शियसली अपने पार्टनर को एक प्रोवाइडर की नजर से देखती है, मतलब सिंपली एक सर्वाइवल टूल की तरह। एंड इट्स नॉट अ सरप्राइज कि इसका लिंक सीधा जाकर जुड़ता है अगेन औरतों की एवोल्यूशनरी डिपेंडेंस से। बट प्रिपेयर टू बी शॉक्ड अगेन, क्योंकि सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है ऐसे 3 ईवल पर्सनालिटी ट्रेट्स जो लड़कियों को तो लड़कों में बहुत ज्यादा टॉक्सिक लगते हैं लेकिन फिर भी उतने ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं।
काइंड ऑफ लाइक कबीर सिंह। नंबर वन, साइकोपैथी, यानी ऐसे लड़के जो एकदम केयर फ्री और इंपल्सिव है, यानी कि एग्जांपल के लिए अचानक से कोई भी ट्रिप प्लान कर लेंगे या फिर कहीं भी चले जाएंगे, यानी वो लड़के जो जिंदगी के डिसीजंस भी एडवेंचर के लिए लेते हैं। नंबर टू, मैशिएवेलिज्म, वो लड़के जो हर बात पर तर्क वितर्क करते हैं, डिबेट करते हैं, कभी भी सीधे से आपकी बात को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। एंड नंबर थ्री, नार्सिसिज्म, यानी एक ऐसा सेल्फ सेंटर्ड इंसान जिसकी हर बात आई मी एंड माई सेल्फ से शुरू होती है एंड वहीं पे खत्म होती है। पर तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लड़के या तो फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट और दिखावे वाले होते हैं या फिर एकदम ज्यादा इंट्रोवर्ट और मिस्टीरियस होते हैं। बट अगेन, आपने अक्सर लड़कियों को बोलते हुए सुना होगा कि मुझे तो ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो मेरे लिए सही है ही नहीं। सो वेल, इसके पीछे का मेन रीजन है आई कैन फिक्स हिम एटीट्यूड, और ये भी डेवलप हुआ है लड़कियों के बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के वजह से ही। देखो, लड़कियां बाय नेचर हाइपरगैमस होती है, मतलब अपने से बेटर पार्टनर को ढूंढना, अपने आसपास के सराउंडिंग को नर्चर करना और इम्प्रूव करना उनकी इनहेरेंट नेचर होती है। अब ये भी आपको पता होगा कि लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों को प्यूबर्टी जल्दी हिट होती है, बट एक्चुअली इस मैच्योरिटी के साथ साथ उनका मैटर्नल इंस्टिंक्ट्स भी काफी जल्दी डेवलप होने लग जाता है, जो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करने लग जाता है जो उन्हें बाय नेचर प्रिजर्वर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स बना देता है, एंड हेंस डेवलप्स द डिजायर टू फिक्स और सेव अ मैन। इनफैक्ट लीडन के एक सर्वे से यह भी पता चला है कि डॉक्टर्स, हाई एंड मैनेजर्स या फिर लॉयर टाइप के प्रोफेशन वाले लड़के लड़कियों के टॉप प्रेफरेंस में आते हैं। सो यही हाइपरगैमस नेचर की वजह से एम्बिशन और पावर भी लड़कियों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो अब मुझे बताओ कि क्या आप किसी ऐसी लड़की को जानते हो जो कम्प्लीटली टॉक्सिक लड़के के साथ है और उसे ये पता भी है लेकिन फिर भी उसे वो छोड़ नहीं पा रही है? आप लोग प्लीज अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो ताकि और लोग को भी सीखने मिले, क्योंकि लिटरली इस बात का लड़कियों को कोई आइडिया नहीं होता है। और इंटरेस्टिंगली एक और चीज पर हमें कोई आइडिया नहीं है, कि आपने कभी सोचा है कि जो सारी गालियां होती है ये सारी की सारी लड़कियों पर ही बेस्ड क्यों होती है? हमने ऑलरेडी इस पर डिटेल वीडियो बनाया गालियों की और औरतों पे दी हुई गालियों की काफी डिटेल हिस्ट्री है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको आज के वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक कर दो। जय हिंद।